हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेकिंग लाइन। माय नेम इज आरती एंड आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं होममेड इजी चॉकलेट सिरप विच इज मच मच बेटर देन एनी अदर स्टोर बॉट लाइक हर्शीज, डेल मोंटे और व्हाटएवर यू यूज। इट नीड्स वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स एंड जितना अच्छा क्वालिटी का आप इंग्रेडिएंट डालते हैं प्रोडक्ट भी आपका उतना ही अच्छा निकलता है। इसकी कंसिस्टेंसी इज परफेक्ट जो हम लोगों को मार्केट के सॉस में मिलती है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। सो प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। तो सॉस पर को हमें गैस के ऊपर कुक करना है, तो सबसे पहले एक थिक बॉटम पैन लीजिए एंड उसके अंदर मैंने डाला है 3/4 कप विच इज 90 ग्राम्स ऑफ अनस्वीटेंड कोको पाउडर। मैं यहाँ पर हर्शीज ब्रांड का कोको पाउडर यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट आई हैव एडेड 1:1/4 कप विच इज रफली 300 ml ऑफ रूम टेम्परेचर वाटर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 1 कप विच इज 200 ग्राम्स ऑफ शुगर। आप यहाँ पर कोई भी शुगर यूज कर सकते हैं बिकॉज इसको हमें कुक करना है तो शुगर ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगी। तो इसको गैस पे ट्रांसफर करने से पहले विस्क की हेल्प से एक अच्छा सा मिक्स दीजिए सो दैट जो वाटर और जो आपका शुगर, सॉल्ट एंड कोको पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। प्लस कोको पाउडर जो होता है वो बॉटम पे लगने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो इसीलिए हमेशा आपका पैन भी थिक बॉटम होना चाहिए एंड आपकी गैस मिनिमम पे होनी चाहिए। वंस एक बॉयल आ जाता है तब आप उसको मीडियम पे ले जा सकते हैं। इस तरीके से कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इनिशियली आप इसको बॉयल कीजिए एंड वंस देयर इज अ बॉयल आप अपनी हीट को मीडियम करके या लो करके इसको रफली 5-10 मिनट्स के लिए कुक कीजिए। इस तरीके से बबल्स आएंगे, थोड़ा सा ये रिड्यूस भी होगा, शुगर मेल्ट हो जाएगी, कोको पाउडर के साथ में वाटर का मिक्सचर ऐड करके एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। आफ्टर 8-10 मिनट्स यू विल सी कि आपके स्पैचुला या स्पून पे इस तरीके से जब आप हटाते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर तो वो स्पेस क्रिएट कर देता है। इस टाइम पर कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आपको रनी मिलेगी बट दैट इज फाइन। After 2 minutes, इसको जब आप ऑफ कर देते हैं गैस को तो यू विल सी कि जो ड्रिप होता है ये बहुत स्लोली हो रहा है, सो दैट मीन्स हमारा जो चॉकलेट सॉस है वो रेडी हो गया। अभी हमारा चॉकलेट सॉस बहुत ही हॉट है एंड इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, ठंडा होने पे ये और भी थिक हो जाएगा। सो अभी मैं इसको जल्दी ठंडा करने के लिए इस बोल में से एक दूसरे ग्लास बोल के अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ। अगर ये इसी बोल में रहेगा तो बोल की हीट एंड सॉस की हीट जो है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है रूम टेम्परेचर पर आने में। ट्रांसफर करने से वो स्टेप थोड़ा इजी हो जाता है एंड एज यू कैन सी हमारा सॉस काफ़ी थिक रेडी हो गया है। अभी ये थोड़ा सा हॉट है इसलिए आपको हल्का सा रनी लग रहा है। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर ला के बॉटल में डालकर फ्रिज में रखेंगे तो एकदम परफेक्ट मार्केट वाली कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी। इसमें शुगर का अमाउंट, वाटर टेक्सचर, कोको पाउडर का टेस्ट, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। सो प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।